नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द वॉइस में स्वागत है। मैं ऐश्वर्या आज आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है तुम्हारी वो आखिरी तस्वीर। तुम्हारी वो आखिरी तस्वीर। हाँ, मैं निहारती हूँ तुम्हारी वो तस्वीर, जिस दिन तुम मेरे सामने अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आए थे। तन पर वो खाकी वर्दी पहनकर, रुबली मूछों पर ताव देकर कह रहे थे, आज मैंने अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए वर्दी पहन ही ली और कल से जॉइनिंग भी है। मैं भी तो बहुत खुश थी, पलके तरल मोतियों से नहाई हुई थी और होठों का क्षेत्रफल मुस्कुराहट के किलोमीटर तक फैल रहा था। मैंने कहा, तो आज भर तुम मुझसे मिलने ही आए हो? तुमने कहा मुझे, अरे पगली, मैं तो हर रोज ही तुमसे मिलता हूँ, तू मेरी सांसों की रफ्तार में बसती है। मैंने कहा, चलो छोड़ो, बहुत सी बातें कह जाते हो, वैसे ये वर्दी जच रही है तुम पर। तुम हंसे और कहा, हाँ हाँ, अब बस वतन के लिए भी मैं कुछ जचने जैसा काम कर दूँ। हम दोनों निकल पड़े कि आज हम साथ में तस्वीर खिंचवाएंगे, वो भी स्टूडियो में, ताकि जब तुम सरहद पर जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ की चादर तस्वीर बनाकर ओढ़ सकूं। मैं और तुम स्टूडियो पहुंचे, वहां फोटोग्राफर ने अपना कैमरा सेट किया, तभी मैं तुम्हारे लिए जूस लेने गई थी। आसपास मेला भी लगा था, सावन का। कई जगह थोड़ी दूरी पर मैं सबसे दूर वाले मेले गई और मैंने सोचा हरी चूड़ियाँ ले लूँ पहले। तभी हुआ कुछ ऐसा कि स्टूडियो के पीछे वाले भाग समेत स्टूडियो जलकर राख हो गई और मैं अफसोस कर पछताने लगी, आखिर क्यों मैं तुम्हें अकेले स्टूडियो में छोड़ थोड़ी दूर आगे सावन के मेले में आई। काश मैं भी शामिल होती तुम्हारी उस आखिरी तस्वीर में। तभी वो स्टूडियो वाला मुझे एक लेटर थमाकर रोता हुआ मुझे शुक्रिया कहके चला गया और बोला, आज काफ़ी लोग जिंदा बच गए मैडम जी, साहब खुद तो गए पर हमें जीवन दान देकर। मानो उसका गला आज बोलने में साथ नहीं दे रहा, रोती आंखों ने आवाज़ पर ताला लगा दिया हो। वो पत्र जब मैंने पढ़ा तो पाया कि तुमने लिखा है, सुनो, तुमसे नहीं बताना चाहता था कि आज स्टूडियो के पास आतंकी हमला होने वाला है और मैं आज अपनी ज्वाइनिंग से पहले दिन भी ड्यूटी निभाने के लिए आया हूँ। तुमसे मिलने आया तो पता चला कि मेरे ही शहर में आतंकियों ने हमला करने की साजिश रची है, और फिर सोचा कि आज यहाँ बम रिफ्यूज़ करते हुए मैं शहीद भी हो गया तो भी कई लोगों की जान तो बचा पाऊंगा। ना जाने मैं बचूं या ना बचूं, पर अगर ये पत्र तुम तक पहुंच गया तो मैं समझूंगा मैंने किसी की तो जान बचाई ही है। मेरा वर्दी पहनना सफल हुआ। और सुनो, ये पत्र ही मेरी आखिरी तस्वीर होगी अगर मैं नहीं रहा तो। और आज यही पत्र बनी है हमारे घर की दीवार पर टंगी तुम्हारी आखिरी तस्वीर।